हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक्नो भारत में। हम काफ़ी लंबे टाइम के बाद वीडियो बना रहे हैं क्योंकि घर पे थोड़ा काम था और मेरे एग्जाम चल रहे थे तो मैं वीडियो नहीं बना पाया। आपको वीडियोस रेगुलर मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आज का वीडियो का टॉपिक है हमारा एडमोब एड लिमिट का प्रॉब्लम। ओके, कभी ना कभी आपका एडमोब अकाउंट में एड लिमिट का प्रॉब्लम तो लगा होगा, और एडमोब का एड लिमिट का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें उसके यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो है अवेलेबल है, पर उसका कोई अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो आज मैं आपके लिए उसका सॉल्यूशन लेके आया हूँ। ये 100% सॉल्यूशन तो नहीं है, पर मैं आपको तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। मैं खुद इसको ट्राई कर रहा हूँ। ओके, जो मैं ट्राई करता हूँ वो ही मैं आपको बताता हूँ। तो आज आपको मैं एडमोब का एडलिमिट का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में बताने वाला हूँ। ओके, तो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, एडमोब का एडलिमिट आपको जितने भी न्यू अकाउंट बनाते हो, आप कोई भी न्यू ऐप डालते हो, तो सभी ना सभी को मेरे ख्याल से एडमोब अभी 80% लोगों को एडमोब एड लिमिट डाल देता है। ओके, देखिए यहाँ पे एडमोब एड लिमिट का प्रॉब्लम सबको हो जाता है। कोई तो पता नहीं एडमोब क्या नशा करके बैठा है कि सबको एडमोब एड लिमिट का प्रॉब्लम दे देता है। ओके, अभी आप कभी ना कभी आपको एड लिमिट का प्रॉब्लम आया होगा, पर ये कभी जाता ही नहीं है। इसमें लिखा होता है ये टेम्पररली है, पर ये जाता ही नहीं है। ओके, तो इसका अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है मैं उसके बारे में आज बात करने वाला हूँ। ओके, प्रॉब्लम पहली बात तो ये प्रॉब्लम क्यों होता है। देखिए, आप जब भी न्यू अकाउंट बनाते हो एडमोब का, तभी आपको ये प्रॉब्लम होता है, या फिर आपके ओल्ड अकाउंट में भी प्रॉब्लम होता है, वो आपको बोल देता है एडमोब कि आपका इनवैलिड एक्टिविटी की वजह से का प्रॉब्लम हुआ है। पर अगर आपके एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे है, आपका यूजर्स एकदम रियल है, फिर भी आपको एडमोब का एडमिन का प्रॉब्लम होता है। कई बार लोग बोलते हैं कि जो बड़े ऐप होते हैं जिन पे ज़्यादा यूजर्स होते हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होता। मैं आपको ये बता दूं कि जिनके पास 1 लाख या 5 लाख से भी ज़्यादा डाउनलोड है, मंथली दिन के 10,000 या 15,000 यूजर भी है, उनको भी एड लिमिट का प्रॉब्लम होता है। तो आपको मैं एड लिमिट का प्रॉब्लम सबको होता है, अभी पता नहीं क्यों हो रहा है। ओके, सबको यही बोलता है गूगल कि आपका इनवैलिड एक्टिविटी की वजह से आपके टेम्पररली हमने एड लिमिट का प्रॉब्लम लगाया है, पर ये सबको होता है। यहाँ पे मेरे इस अकाउंट में भी एड लिमिट का प्रॉब्लम लगा था। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी एड लिमिट का प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं दिख रहा है। यहाँ पे मैं आपको पॉलिसी सेंटर में भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए इश्यू में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए करंट नो इशू है। पहले यहाँ पे दिख रहा था कि एड लिमिट का प्रॉब्लम है। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कि मैं ज़्यादा टाइम आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट कितनी आई है मेरी, और यहाँ पे इंप्रेशन कितने शो हुए, इसके हिसाब से आप बता सकते हैं कि एड लिमिट का प्रॉब्लम यहाँ पे पहले से था मेरे में। अभी अभी ये 2-3 दिन में ही पहले ही मेरा एड लिमिट का प्रॉब्लम यहाँ से चला गया है। ओके, तो ये कैसे चला गया वो मैं आपको बताने वाला हूँ, और उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। ओके, तो हमारे पास अभी एड लिमिट के 2 प्रॉब्लम के 2 सॉल्यूशन है, आप दोनों को यूज़ कर सकते हो। अभी मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि तो देखिए पहला सॉल्यूशन हमारे पास ये है। मैं आपको पहला सॉल्यूशन बता देता हूँ। देखिए पहला सॉल्यूशन की डिटेल में बात करें तो मैं आपको बोलूँगा कि आप एडमोब यूज़ करना बंद कर दो। ओके, आप या फिर एडमोब यूज़ करना चाहते हो तो आप मीडिएशन लगा लो। यहाँ पे देखिए मीडिएशन का पहले से हमारे चैनल पे वीडियो अवेलेबल हो गए, तो आप मीडिएशन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये मीडिएशन है, अभी मैं इसको भी बंद कर दिया हूँ। मीडिएशन यहाँ पे भी मैंने सारा कुछ बंद कर दिया। आप अपने हिसाब से मीडिएशन इसमें लगा सकते हो और इसको मीडिएशन की तरह यूज़ कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे फेसबुक पे स्विच कर लो, मेटा पे। यहाँ पे फेसबुक एड्स का यूज़ कर सकते हो आप ये अपनी एप्लीकेशन में, या फिर आप एप्पो लोविन का यूज़ कर सकते हो। ओके, देखिए यहाँ पे एप्पो लोविन ये भी बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसको आप इसका यूज़ करके आप अपने एप्लीकेशन का मोनिटाइजेशन कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा है। ओके, उसके अलावा आपको यहाँ पे यूनिटी एड्स का भी यूज़ कर सकते हो। ओके, सबसे ज़्यादा बेहतर तो मुझे फेसबुक और यूनिटी पर ये तीनों लगे, बाकी बहुत सारे प्लेटफॉर्म में आप अपने हिसाब से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, और ये तीनों मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। ओके, मैं अभी ये चारों यूज़ कर रहा हूँ, पर ये और एपोलोविन ये ज़्यादातर मैं ये दोनों यूज़ करता हूँ, यूनिटी और एपोलोविन। ओके, आप इन दोनों का यूज़ कर सकते हो। ओके, और एडमोब को आप कम्प्लीटली बंद कर सकते हो, या फिर आप उसके फेसबुक के साथ यूनिटी के साथ मीडिएशन करके भी इसको यूज़ कर सकते हो। जब भी आपको एडमोब के ऐड शो नहीं होंगे तब यूनिटी के और फेसबुक के ऐड शो हो जाएंगे। ओके, आप ये कर सकते हो। अभी बात रही दूसरे सॉल्यूशन की, जिसकी वजह से एडमोब की एड लिमिट भी हट सकती है। ये मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि उसकी वजह से हट निकली है या नहीं निकले, पर मैंने जो यही किया था मेरी तो उसी वजह से हटी हुई है। मैं जो एक्सपीरियंस है मेरा के बारे में बता रहा हूँ, 100% कोई श्योर नहीं हूँ इसके बारे में। ओके, मैं पहले ही आपको मैं बता दूँ कि मैं 100% नहीं हूँ। ओके,
जो मैंने ट्राई किया वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसको भी ट्राई कर सकते हो। ओके, अभी आपको क्या होता है कि आपका आपको कोई भी एप्लीकेशन आप बनाते हो तो आपको मन में यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये अर्निंग। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एडमोब, जैसे हम फेसबुक का मीडिएशन एडमोब के साथ करते हैं, वैसे आपको एडमोब का मीडिएशन एप्पो 11 के साथ करना। ठीक है, यहाँ पे एप्पो 11 मैक्स के साथ, मैं आपको यहाँ पे लॉगिन करके मैं बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा एप्पो 11 का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हो ये एप्पो 11 का है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं एडमोब, फेसबुक और यूनिटी, ये तीन, और एप्पो 11, मैं चारों को एक साथ एक एप्लीकेशन में यूज़ कर रहा हूँ। आप भी ऐसा कर सकते हो और चारों में आप अर्निंग कर सकते हो। यहाँ पे मैं देखिए, अभी यहाँ पे ऐप डिस्कवरी दिख रहा होगा तो हमें इसको यूज़ नहीं करना, हमें यहाँ पे मैक्स पे आ जाना है और यहाँ पे हमें एप्पो 11 मैक्स को यूज़ करना है। यहाँ पे मैं अभी अपना दिखा देता हूँ परफॉर्मेंस, लास्ट 30 दिन का मैं कर लेता हूँ वो भी। तो आप देख सकते हो मैं लास्ट 10 दिन का, 30 दिन का मेरा $8 का अर्निंग है। तो यहाँ पे मैं एप्पो 11 का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं भी फिल्टर पे आ जाता हूँ और यहाँ पे नेटवर्क पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे यूनिटी है, एडमोब है और यहाँ पे एप्पो 11 का खुद का है और यहाँ पे एड कॉलोनी। मैं ये अब इतने यूज़ कर रहा हूँ, इतने प्लेटफॉर्म को मैंने इसके साथ ज्वाइंट किया हुआ है, मीडिएशन किया हुआ है। क्योंकि जब भी मेरे एप्लीकेशन में मैंने अभी एप्पो 11 के एड्स डाल लगाए हुए हैं और उसका मीडिएशन किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे ज़्यादा अर्निंग मुझे यूनिटी में हो रही है। पिछले 30 दिनों का $4 मुझे मिला है। यहाँ पे देखिए इंप्रेशन कितने हुए, रीसीपीएम कितना, तो बहुत ही अच्छी अर्निंग इससे हो रही है। आप इस ये कर सकते हैं। और अगर मैं आपको यहाँ पे 2. यहाँ पे $2 की मुझे अर्निंग एडमोब में भी हुई है, अब उसका भी आप ईसीपीएम यहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो आपको भी अच्छी खासी अर्निंग यहाँ से हो जाएगी। ओके, तो आपको एप्पो 11 का, एप्पो 11 में आपको मीडिएशन करना है एप्पो 11 मैक्स के साथ। ओके, आपको एडमोब, यूनिटी और फेसबुक सभी का आपको इसके साथ ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे आपको देख सकते हो, यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एप्पो 11 है, एड कॉलोनी है, एडमोब है और आयरन सोर्स के अलावा यहाँ पे टैब जो है यूनिटी और मेटा, मैं इतने प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहा हूँ। अभी बाकी सब तो मैंने सिर्फ ज्वाइन करके रखे हुए, मैं एप्पो 11, एडमोब और एड कॉलोनी और यूनिटी को मैं सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा अर्निंग मैं इसी से कर रहा हूँ। और मेरे एडमोब में बात आती है अभी एड लिमिट की, ओके, एड लिमिट लगे होगी तब भी आपको इसमें एड शो होगी आपके एप्पो 11 में। ओके, इससे ज़्यादा आप यहाँ पे यूनिटी से अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपके एप्लीकेशन एडमोब अकाउंट में एड लिमिट लगी है और आपने एप्पो 11 मैक्स का मीडिएशन लगाया हुआ है, एप्पो 11 मैक्स के ऐड डाले हुए, तब भी आपके एडमोब के ऐड शो होगी और आपको अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी। ओके, और इसके एप्पो 11 की सबसे खास बात यही है कि आपको इसमें मैक्सिमम पे आउट आपको $20 पे आपको पेमेंट मिल जाता है, आपको $100 रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे आपके अकाउंट में $20 हो गए तो आपके बैंक अकाउंट या पेपल में आपको पेमेंट मिल जाएगा। तो इसी वजह से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और इससे मेरे यूनिटी में, फेसबुक में और एडमोब में अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। ओके, आप खुद देख सकते हो, यहाँ पे मैं भी अपने 30 दिनों की अर्निंग दिखा रहा हूँ आपको, $8 के आसपास हुई है मेरी अर्निंग। आप देख सकते हो यहाँ पे अच्छी खासी अर्निंग आपको यहाँ से हो जाएगी। तो आप इसका यूज़ करके अर्निंग कर सकते हो। और मैं मेरा मीडिएशन फिक्स करने के बाद ही मेरा एडमोब में से एड लिमिट कटा है। आप भी ट्राई कर सकते हो, या फिर आप फेसबुक, एप्पो 11 मैक्स और यूनिटी को तीनों को एक साथ यूज़ कर सकते हो मीडिएशन के तौर पे और एप्पो 11 के एड लगा के। बात आती है कि अगर आपको एप्पो 11 का साथ मीडिएशन करना है तो उसको कैसे करना है, तो उसके लिए आप हमें कमेंट करके बताएं, उस पर एक वीडियो बना देंगे। ओके, और एप्पो 11 के बारे में और कुछ जानना है तो उसके बारे में बताए, उस पर हम फुल डिटेल वीडियो ला देंगे। ओके, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।